बंदों वाला टेंट है और ये उसने उसने वो बहुत बोल रहा था कि सात बंदों वाला टेंट लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि ईद का तीसरा दिन है और हम जा रहे हैं स्कर्दू, 5 बजे के बैठे हुए हैं ना, तो इस चाचे को चाय पिलाई है इसने और इनके घर की चाय पहले वैसे भी बहुत फिक्की होती है क्योंकि ये शुगर कम इस्तेमाल करते हैं, हमें घर से चीनी लानी पड़ती है। कौन से लोग हो और लाली कब से चाय आ रही है इनकी? यार अभी ये ऑर्डर दिया है इन्होंने, हमने ये स्कर्दू जाना है, आज पिला देते अभी हमारा ये प्लान बना है कि हम पहले स्कर्दू से हो आते हैं फिर आके चाय बाद में पी लेंगे, है ना। तो जैसा कि अभी हम सब निकलने लगे हैं, अभी आए हैं ये सब, ये एच बी भी अभी आया है, शेर मोहम्मद भी अभी आया है, तो हम सारों ने दुआ, लाले ने दुआ करवाई है, तूने सफर की दुआ करवाई है, अभी हम निकलने लगे हैं और देखते हैं आगे आगे हमारे साथ क्या। वो जरूर भी है, ये कह रहा था मुझे नहीं देखा है, देख लो ठीक है जी, उस्ताद ही अल्लाह ने वाले। तो जैसा कि अभी हम खाने के लिए रुके हैं, काफी रात हो गई है और ये सारे इनको काफी भूख लगी है, मेरे साथ बातें करता है मैं ब्लॉग में प्यारा। एक तो ये बंदा कहीं भी लेके आओ इसको, ये सबसे पहले कहते यार मैं कैसा आ रहा हूँ, और लाले को काफी भूख लगी। लाला जी यार चाय पिला दो, पीकी पिला दो। शेयर करते हैं भूख ऐसी हो, मेरी भूख हो और पेट ऐसा हो। हमारे साथ दो ऐसे भूखे आए हुए हैं जो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहे, इन्होंने सबसे पहले अपने मुंह में डाल दिया। ऐसी बात नहीं है, जितना है, मिले तुम्हें कम। आ जाओ साजी, उसी तरह ही खाना से। साथ को बहुत तंग किया हुआ है इसने। तो जैसा कि सुबह के 5 बज चुके हैं और हम नारान में पहुंच चुके हैं, काफी लेट पहुंचे हैं क्योंकि जो हमारा ड्राइवर था वो बहुत स्लो स्लो आ रहा था। अभी हम नारान पहुंचे हैं, देखें यहाँ का मंजर सुबह सुबह का। अभी हम यहाँ पे कुछ देर कैंपिंग करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह अपने सफ़र को जहाँ हमने जाना है उसके लिए हम दोबारा निकलेंगे। और हमारे पास एक कैंप है और उसके अंदर लेटने के लिए 7-8 लोग हैं। नहीं ये 6 बंदों का कैंप, बारी बारी, बारी पहले, 7 बंदों का कैंप। पहले 20 मिनट मैं लेटूंगा और 20 मिनट ये लेट। बड़ा कैंप का कैंप लाया हूँ मैं, 17,000। चलो जल्दी से खोलो, देखते हैं कैंप कितना बड़ा है और हमारे साथ जुड़िए रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें। और मैं यहाँ पे स्लिप हो गया हूँ, सारे कपड़े भी गीले हो चुके हैं, जो रजाई हम लेके आए थे नीचे बिछाने के लिए वो भी सारी पानी में गिर के गीली हो चुकी है, और भी लग गई है मुझे। तो गाइस ये इन लोगों ने ये टेंट लगाया, एक और बंदा भी रहता है बाहर, दो बंदों वाला टेंट है और ये उसने वो बहुत बोल रहा था कि 7 बंदों वाला टेंट लेकर आया। तो जैसा कि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी जिसकी वजह से हम गाड़ी में वापस आ चुके हैं, और ये जो लाला है इसको नींद नहीं आ रही, ये मुंह चुपा, शैतान इसका जागा हुआ है और मुंह इसका फुल चल रहा है, ड्रामे बाजियां कर रहे हमारे साथ। अभी ये ड्रामे बाजी नहीं है, ये मेरी नींद है, इसको बंद ना करो। तो जैसे कि नाश्ता वाश्ता कर लिए हमने, अब निकलने का प्लान है स्कर्दू का। हमारा ये प्लान है कि हम रात तक स्कर्दू पहुँचेंगे। हैं वो दो भूखे जो हर टाइम भूखे रहते हैं और इनको हर टाइम भूख लगी है, बस करना है हर टाइम। तू एक तो रास्ता नहीं है, लाले इसके बारे में क्या बोलेगा? इसके बारे में यही है कि 7 पेट इधर 1 पेट उधर, ये नहीं रहता, ये रह गया समझ लो सारा होटल रहा। हम साथ के साथ रह जाते हैं लेकिन ये बंदा उस टाइम पता नहीं इसके अंदर कौन से, वो दोनों किधर रह गए हैं यार। मैं तो कहता हूँ हम निकल जाते हैं वो आ जाएंगे, वो उनको हमने अपनी मैनेजमेंट दी हुई है और वो कुछ ज्यादा ही। चाचू भी बहुत गुस्से में इनके बारे में, आप क्या कहोगे? गंडेरी चूसो दस 12 घंटे हो गए हम लगातार सफर कर रहे हैं, लोग आ गए मेरे मुंह से कुछ सुनेंगे जो खुशक के मैनेजमेंट जिन्होंने संभाली हुई है, इतना कुछ चाहिए नहीं होगा।
अभी हमने बाबू से टॉप क्रॉस किया है और यहाँ पे बारिश भी हो रही है और आगे ट्रैफिक भी बंद हो गई है। हमने इधर अपने लिए कैंप लगाया है और खाना पका रहे हैं। जरूर भाई जान हमारे लिए खाना पका रहे हैं। क्या पका रहे हो? इसमें गोश्त भी है और कलेजी भी है और चाय भी है। ये वो लड़के हैं जब हम टूर पे आते हैं और इसको सबसे ज्यादा हमारे खाने की फिक्र होती है और इसको भूख और ये पहली दफा आया है। हमारा बच्चा तो अभी बड़ा हो और हमारा जो मेन बंदा है मेन करेक्टर है लाला जी। लाला जी किन मुश्किलों में पड़े हुए हो आप? ओ भाई मैंने क्या करना है, मैं शरीफ गरीब बंदा तुम लोगों की माई बनी हूँ, ये ड्यूटी लगाई हुई है, तुम तो भाई एंजॉय कर रहे हो। कैसा पानी है ये? ऐसा पानी आग नहीं लगा सकता बंदा, वो हमें पता है कि हमारा क्या हाल है। और ये रास्ते के बारे में क्या कहनी है? ऐसा ही लग रहा है जैसे आज इधर ही गुजारना है। और हमें भी यही लग रहा है कि आज रात को नहीं हुआ है, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, ये खुल जाएगा इंशाल्लाह। अभी इतना टाइम नहीं है, जल्दी खुल गया तो बेहतर। जब तक हम खाना खाएंगे तब तक ये खुल चुका होगा इंशाल्लाह। तो गाइज वो देखें, वो बहुत मेहनती लड़का जो अभी तक बैठा हुआ है वहाँ पे काम कर रहा है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, उसने बोला है ये बोला इसलिए ये वो तो उसने इसकी मेहनत की, अब ये जा रहा है इसकी वीडियो बना ले। मेरे से गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ है? ओ यार उधर पानी में ना मिर्चे धोने के आते एक मिर्च पानी ले गया। इधर बैठो तुम उसको जवाब दो। जरूर भाई मैंने ईमानदारी से काम किया था पानी धोने की, थैंक यू सो मच। आपने पकाया और आपने पकाया, मैंने पकाया, जेल में मैंने पकाया, मैंने पकाया। बस ज्यादा एक्टिंग में ना घुस। ये जो झूठ झूठ की एक्टिंग कर रहे, इसको मैंने बोला है आंखें बंद करो मैं वीडियो बना और ये फुल एक्टिंग में चला गया। जैसे कि एक दिन का सफर करके हम पहुंच चुके हैं स्कर्दू और सारों की हालत बहुत टाइट हुई हुई है और फिलहाल हम सोने लगे हैं। इंशाल्लाह सुबह उठ के देखेंगे क्या होता है। और एक और व्लॉगर आ गया नया नया, एक और दोस्त हमारा रह पे जिसने हमारी बहुत खिदमत की है। अभी भी देखेंगे हमारे लिए क्या करने लगे हो। जरूर यार कोई मालशिया ले एक दूसरे की मालिश कर देंगे। हमारे पास ये मुझे ऑफर करवा रहा है कि मैं पहले तुम्हारी करूँगा फिर तुम मेरी मालिश। और मेरी कौन करेगा? हम दोनों मिल के आपकी करेंगे। ओके रात का निजाम सेट हो गया तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब सुबह।